कहाँ पर हुआ, किस सेक्शन में हुआ, किस किस को बताया? डीआरएम साहब को बता दिया? मैं बस पांच मिनट में ऑफिस पहुंचता हूँ। यह हमारी तैयारियों और रिस्पांस टाइम के परीक्षण के लिए एक सुरक्षा अभ्यास था, और आप पूछ सकते हैं कि यह सब किस बारे में। The control offices are to the railway functioning what the brain is to the functioning of the human body. Perceiving, planning, monitoring, commanding, controlling, coordinating, acting, reacting and communicating ceaselessly. भारतीय रेल में रेलगाड़ियों पर नियंत्रण व निगरानी 67 प्रभागीय कार्यालयों के नियंत्रण कक्षों द्वारा की जाती है। कंट्रोल रूम प्रभाग का मुख्य केंद्र होते हैं। प्रत्येक 67 कंट्रोल कार्यालयों में सुरक्षा पर्यवेक्षकों के तहत प्रशिक्षित ट्रेन नियंत्रकों की टीम डेटाबेस व एप्लीकेशन सर्वर की मदद से वर्चुअल नियंत्रण चार्ट पर प्रत्येक ट्रेन की गतिविधि का रिकॉर्ड रखती है। हर डिवीजन में रेलवे में बाउंड्रीज है। इट्स डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। जो रेलवे बोर्ड एक होता है, मिनिस्ट्री, फिर जोनल रेलवे एंड दी फील्ड लेवल, दैट इज द डिवीजन। तो उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री में हर डिवीजन के ट्रेन जो रन होती है वो हर कंट्रोल से मैनेज होती है। अन्य ट्रेन कंट्रोलों को ट्रेन के जुड़ने और आवाजाही की सूचना देने के अलावा ये अपने क्षेत्र की सभी रेलगाड़ियों के प्रस्थान समय, स्टेशन स्टॉप पर रुकने के समय का रिकॉर्ड भी रखते हैं। इसके अतिरिक्त देरी की रिपोर्ट करता है और अपने सिस्टम में ये सब दाखिल करता है। कंट्रोल रूम एप्लीकेशन द्वारा रेलगाड़ियों की गतिविधियों को वास्तविक समय में देखा जाता है। और कंप्यूटर की मदद के द्वारा निर्धारित और गैर निर्धारित रेलगाड़ियों की गतिविधियों की योजना बनाई जाती है एवं नियंत्रण किया जाता है। भारतीय रेल एकल प्रबंधन के तहत चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। यात्रियों और माल ढुलाई के भारी यातायात और चलने के विभिन्न पैटर्न के साथ समायोजित इतने बड़े नेटवर्क में ट्रेन नियंत्रण और संचालन का कार्य एक मुश्किल कार्य है। नियंत्रण चार्ट एक समय दूरी ग्राफ है जिसका इस्तेमाल रेलगाड़ियों की गतिविधियों की योजना और नियंत्रण में किया जाता है। ये निर्धारित यात्री रेलगाड़ी अपने रास्ते पर चल रही है। गैर निर्धारित माल ढुलाई रेलगाड़ियों के लिए प्रभावी रास्ते की पहचान करना ट्रेन की गतिविधियों की पूर्व सूचनाओं को सुनिश्चित करता है और वाणिज्यिक आवश्यकताओं के अनुसार आगमन और प्रस्थान की सूचना का प्रबंध करना। लाल लाइन सुपर फास्ट एक्सप्रेस, नीली लाइन यात्री गाड़ियों और हरी लाइन माल ढुलाई रेलगाड़ियों को चिन्हित करती है। एक अच्छा कंट्रोलर लगातार संसाधनों का इस्तेमाल करता है और प्रणाली द्वारा रेलगाड़ियों के सुचारू रूप से चलने और अनिर्धारित व निर्धारित दोनों ही रेलगाड़ियों के चलने में रुकावटों की समाप्ति को सुनिश्चित करता है। कंट्रोलर सभी मापदंडों जैसे ब्लॉक्स, सावधानी आदेश, क्रॉसिंग, पूर्व निर्णय प्राथमिकता और भार विवरण पर विचार कर अनुभागीय रेलगाड़ियों की एडवांस पूर्व सूचना सहित साथ साथ चार्टिंग करता है। रेलगाड़ियों के हवाले अधिग्रहण पर आसन मंडलों के साथ संचार स्थापित है। इसका परिणाम ये होगा कि विभिन्न स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के आगमन व प्रस्थान की पूर्व सूचना, समयबद्धता और नई यात्री सूचना प्रणालियों को लागू करने में सुधार होगा। जो अनयूजुअल हुआ, जो मिस हैपनिंग हुई, जो शॉर्टफॉल हुआ, ये सारा रिपोर्ट हम अपने सीनियर डीएम को देते हैं और इसी सिचुएशन में काम करते हैं। इससे उनको पता है कि यदि कोई नक्सल एक्टिविटी हो तब क्या करना है, कोई यदि एक्सीडेंट हो गया तो क्या करना है, वाइल्ड लाइफ यदि कोई कैटल है या एलिफेंट का हर्ड आ गया तो फिर क्या करना है,
सो वो बड़े बेल इक्विपमेंट है और इमीडिएट हमेशा टच में रहता है। सबसे पहले ट्रेन रोकते हैं, ओ एच ई ऑफ करते हैं, पहले मूवमेंट को सुरक्षित करते हैं, उसके बाद टोटल फोर्स लोकल अपने रेलवे के अलावे हम लोग डीसी को कवर करते हैं, लोकल पुलिस को कवर करते हैं। ये सारे जब इंस्ट्रक्शन हमारा सिक्योरिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिल सकता है कि आप अपने आदमी को, अपने लोगों को, अपने सिक्योरिटी को मूव करा सकते हैं, तो ये सारा एफर्ट लेने के बाद हम लोग इस ढंग के मूवमेंट को टैकल करते हैं। आवर रोल इज वेरी वाइटल ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स। द रेस्क्यू प्लान एंड रिलीफ वर्क वी डू एट दैट टाइम द कंट्रोल ऑफिस फंक्शंस ऑन अ वार फुटिंग बिकॉज रेस्टोरेशन ऑफ द ट्रेन सर्विस is the main objective, unmindful of the hardships, physical hardships, mental stress. Challenges बहुत प्रकार के हैं। The main challenge is कि रेल का पहिया रुकना और हमें वो रुकने नहीं देना है। सभी प्रकार के तनावों के बाद जब मैं अपना कार्य समाप्त करके घर जाता हूँ तो बेहद अच्छा महसूस करता हूँ। I salute the incredible team of dedicated railwaymen of this mammoth organization called Indian Railways, the biggest service provider in the nation, both from the control offices and also in the field. They are fighting 24/7 round the clock against inclemental weather or other challenges that they face in the field day in and day out to achieve the user's fullest satisfaction. Thank you. Jai Hind. Hum hai control room, hum hai Bharatiya Rail.